नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। दर्शकों, बहुत से लोग मिलने आते हैं, बहुत से लोग टेवे लेकर आते हैं। दुख तकलीफ दर्द सबको है, किसी को किसी बात का, किसी को किसी बात का। कुछ लोग तो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो आकर कहते हैं सर आप पे टैया चल रहा है शनिदेव का। तो वो बोलते हैं सर शनिदेव तो करोड़ा मील दूर है जी, मैं इहदा की बिगाड़िया जिहड़ा मेरे पिछे पए हुए ने। सर मंगल तो इतनी दूर है जी, मेरी बेटी मंगली का इसकी मैरिज नहीं होने दे रहे, तो मंगल का हमने क्या बिगाड़ा है। ये थोड़ी सी बात दर्शकों समझने वाली है, नियम बनाने वाला है। कैसे नियम बनाएंगे इसका, सोच के समझ के। विद्या कहाँ से शुरू हुई, कैसे बनी, हमारी बॉडी पे कैसे इम्पैक्ट डालती है, इस बात का ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी तो कहते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होगा कैसे, समझने वाली बात है। इसको डिटेल में समझाने के लिए मैं आज आपको इसका बेसिक समझाता हूं, ये होता क्या है। हमारा जो शरीर है ये पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी अग्नि जल वायु और आकाश। इसको मेडिकल साइंस ने भी प्रूव किया है और शास्त्रों में भी यही लिखा गया है कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। हमारे जो ग्रह हैं ये हमारे पंच तत्वों को कंट्रोल करते हैं, जैसे दूर से एक रिमोट टीवी को कंट्रोल करता है, वैसे ही ये पंच तत्व जो है बॉडी का कंट्रोलिंग पावर इनकी सूर्यदेव मंगलदेव बृहस्पति चंद्रमा इन सबके पास होती है। जैसे जैसे ये मूव करते हैं वैसे वैसे ही हमारी बॉडी में बदलाव शुरू हो जाते हैं। हम अक्सर सारा दिन काम करते हैं, हम रात को विश्राम करते हैं। कारण सबसे बड़ा कारण ये कि सूर्य जितनी एनर्जी देता है बॉडी को वो दिन में काम करती है, रात को वो एनर्जी नहीं दे पाता, इसलिए आदमी हर विश्राम करता है। इस बात को साइंस ने प्रूव किया है। आप एक पांचवी क्लास के बच्चे की किताब उठाइए, आपको उसमें विबग्योर लिखा मिलेगा, स्पेक्ट्रम। साइंटिस्ट ने आज नया रिसर्च में उसको वर्ड लिखा है स्पेक्ट्रम। ये चीज हमारी बॉडी पर आकर हमारी बॉडी का अच्छा बुरा डिसाइड कर देती है, इससे हमारी पूरी बॉडी चलती है। आप अक्सर लाइफ में देखेंगे एक काम वाली किसी के घर काम करती है, वो बड़ी खुश है, काम करके थकार के शाम को जाती है, अपने पति के साथ अपने बच्चे के साथ बहुत खुश है। जिसके घर वो काम करके गई है मालकिन, वो बेचारी सुबह से लेकर शाम तक टेंशन में बैठी है, उसको कभी पैसे की टेंशन है, कभी पड़ोसियों की टेंशन है, कभी रिश्तेदार की टेंशन है, कभी किसी चीज़ की, वो टेंशन में घूम रही है। पैसे देने वाला टेंशन में है, थोड़ी सी पगार लेने वाला बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि उसकी कुंडली का योग अच्छा, वो जितनी मेहनत करता है उतना कमा खा के आराम से चैन की बंसी बजाते हैं, जो प्रभु ने दे दिया उसकी रजा में राजी रह के खुश है। ये गड़बड़ होती है, यही हमारी गड़बड़ शुरू होती है। वो क्यों खुश है, दूसरा क्यों खुश है, इसका एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस से बड़ा भारी लेना देना। सृष्टि का नियम है, सारी जिंदगी दो भाई भाई रहेंगे, जैसे ही शादी होनी शुरू हो जाएगी, जैसे ही वो दोनों की पत्नी आ जाएंगी, वो डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। क्यों भाई, अब वो भाई नहीं रहे क्या? रहे, लेकिन दोनों की जिम्मेवारियां अलग अलग होंगी। इस विद्या का एक मूल नियम है, ज्योतिष विद्या का एक मूल नियम है जो स्टार्टिंग से बना आ रहा है, स्टार्टिंग से चला रहा है। हर लग्न कुंडली में लग्न से तीसरा घर जो होगा वो प्रॉब्लमेटिक होगा, वो उसका शत्रु होगा या उसकी उल्टी पार्टी होगा। ये नियम है, ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि तीसरा घर भ्राता का है और ग्यारहवां घर भी भ्राता का है, बड़े भाई का, और तीसरा घर छोटे भाई बहन का। हर कुंडली में देखेंगे कहीं ना कहीं लग्नेश का वो उल्टा ही मिलेगा आपको, या तो एंटी पार्टी मिलेगा या अति शत्रु मिलेगा। तो इसलिए वो कभी आपस में बनने देंगे ही नहीं, चाहे वो भाई बहन छोटे हों या बड़े हों। इसको समझना है कि अगर मालिक होकर के वो पगार दे रही है, वो टेंशन में है, जो
नौकरानी काम करके पैसे लेके घर पे गई है, वो बड़ी खुश है। तो एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस में आप उस ग्रह की शांति करवा करके, उसका नियम बना करके, रूटीन में पाठ करके उसे आप शांत कर लीजिए, ताकि आपका मन शांत हो जाए। एक काम वाली को आप गाड़ी में घुमा आइए, वो 10 दिन याद रखेगी कि मैं गाड़ी में गई थी बाजार घूमने मालकिन के साथ। मालकिन सारा दिन गाड़ी काम चला रही हो, सारा दिन अपने सारे काम गाड़ी में करती हो, उसको तब भी याद नहीं होगा कि मैं गाड़ी की ड्राइविंग इंजॉय कर रही हूँ। वो माथे पे 4 बल पड़े होंगे और वो यही सोचती निकल जाएगी कि ये गाड़ी आगे काम क्या करना है, किससे क्या लेना है, किससे क्या देना है, किसने मुझे क्या कहा, किसने मुझे क्यों कहा, किसने मुझे अच्छा नहीं बुलाया, किसने मुझे बुरा नहीं बुलाया, वो इसी चक्कर में घूमती रहती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं अक्सर ज्योतिषियों को सुनता हूँ क्योंकि इस फील्ड में, उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। हर बंदा दूसरे और सातवें घर को मारक गिन लेता है। दूसरे घर का मालिक मारक होता है जी, सातवें घर का मालिक मारक होता है। उन सबसे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि अगर लगन लॉर्ड और दूसरे घर का मालिक एक ही हो जाए तो क्या आप उसे बुरा कहोगे या अच्छा कहोगे? पहली डेफिनेशन यह है कि दूसरे घर का मालिक बुरा होता है। दूसरी डेफिनेशन यह है कि 1, 5, 9 का मालिक कभी बुरा नहीं होता। कैप्रिकॉन लगन में ही लगन का लॉर्ड भी वही है और दूसरे घर का मालिक भी वही है। हाउ कैन यू डिसाइड वो कारक है कि मारक है? एक्वेरियस लगन में बोल दिया जाता है कि बृहस्पति देवता दूसरे घर के लॉर्ड हैं तो वो मारक है, जबकि वो कुंडली के सबसे कारक ग्रह गिने जाते हैं क्योंकि दोनों धन और लाभ के डिपार्टमेंट आ गए उसके पास। कुंडली में जहां जाएंगे, जहां बैठेंगे, जहां देखेंगे, उस घर की वृद्धि कर देंगे। अगर उसकी दशा अंतरा चलेगी और कुंडली में वो सही जगह केंद्र में या कहीं त्रिकोण में प्लेस्ड हैं तो बंदे को राजा बना देंगे। ऐसी लाइव कुंडली अगर देखना चाहो, मेरे पास एग्जांपल्स पड़ी हैं, मैं नंबर देता हूं, आप उनसे जाके मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। स्कॉर्पियो लगन की कुंडली में भी बृहस्पति को मारक गिन दिया जाता है, लेकिन ये गलत है क्योंकि वो पंचमेश भी है साथ में। यहां हमारी सोच का तरीका गलत हो गया, यहां हम विद्या कम पड़े आ गए। क्यों? क्योंकि वो पंचमेश भी है और 1, 5, 9 के मालिक कभी अशुभ नहीं होते। ये हमने सुना है, ये हमने देखा है। तो अगर 1, 5, 9 के मालिक अशुभ नहीं होते तो वही अगर दूसरा मालिक बन गया तो वो अशुभ कैसे हुआ? आम आदमी यही डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं इसको कारक गिनूं या मारक गिनूं, इसको अच्छा गिनूं या बुरा गिनूं, क्योंकि ये पंचमेश भी है, ये द्वितेश भी है, ये दूसरे घर का मालिक भी है, ये पांचवें घर का मालिक भी है। जैसे टॉरस लगन की कुंडली में बुध योग कारक है क्योंकि वो दूसरे घर का मालिक भी है और पांचवें घर का मालिक भी है। यहां सोच का तरीका गड़बड़ हो जाता है। सातवें घर का मालिक मारक गिना जाता है, लेकिन अगर धनु लगन की कुंडली हो और सातवें घर में बुध ओन साइन का पड़ा हो तो अपने आप में वो भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना देता है। उसकी दशांतरा चलेगी और अगर उस प्लेनेट में थोड़ी सी भी कैपेबिलिटी हुई तो आदमी की तरक्की निश्चित है। दाम्पत्य सुख के लिए बहुत अच्छा होता है, कामकाज के लिए बहुत अच्छा, हालांकि वो सप्तमेश और दशमेश है और आपको सारे पोंगा पंडित ये इसको मारक की पदवी ही गिन के देंगे, लेकिन वो मारक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका अपने आप में सौम्यता का तत्व है। दसवें घर में धनु लगन की कुंडली में बृहस्पति उच्च का पड़ा हो, अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग होता है, बंदा ट्रेडिंग में उसकी दशा में खूब पैसे कमाता है। अब इसके उल्टा करके देखें, कन्या लगन की या मिथुन लगन की कुंडली हो, सातवें घर का मालिक बृहस्पति बनता है दोनों ही लगन कुंडलियों में, मिथुन हो चाहे कन्या। अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो गई, दूसरे घर में आ जाए, 11वें घर में आ जाए, केंद्र में कहीं भी पड़ा हो, त्रिकोण में कहीं भी पड़ा हो, पंचम में नहीं होना चाहिए अगर कन्या लगन की कुंडली है, क्योंकि वहां वो नीच का हो जाता है। ये आगे आपको मैं डिटेल सारी समझाऊंगा। वो अपने आप में एक राजयोग बना लेता है। दूसरे घर में पड़ा हो बृहस्पति कन्या लगन की कुंडली में, थोड़ा सा भी अगर उसमें बल होगा अपनी दशांतरा में, वो बंदे को करोड़पति बना देगा, वो वहां मारक नहीं होगा। और आपको झोला छाप पंडित इसको मारक कह के इसके उपाय करवा देंगे और आपका बंटाधार हो जाएगा। क्यों? सातवें और दूसरे का हमने तो जी मारक ही पढ़ा है। मेरे भाई, कुंडली को ध्यान से समझो, हर चीज हर जगह अप्लाई नहीं होती। हमारी पंजाबी में कहावत कहते हैं, मां हरेकली बादी नहीं हुंदे और हरेकली स्वादी नहीं हुंदे। दूसरे घर का मालिक
हर एक कुंडली में मारक नहीं होता। दूसरे घर का मालिक सबसे अच्छा भी हो सकता है, अगर वो लग्नेश का मित्र है या लग्नेश का शत्रु होने के बावजूद भी अपने कारक भाव में है या अपने कारक भाव का मालिक बन गया है। जैसे कुंभ लग्न में बृहस्पति कारक बन गए हैं, बृहस्पति दूसरे घर में कुंभ लग्न में उन साइन का पड़ा हो, उनकी दशा चल रही है, ऐसी चार कुंडलियां मेरे पास है, मैं चारों का पता लिख के दूंगा, अब उनसे जाके मिलिए और पूछिए हाँ जी कैसी दशा चल रही है। कल ऐसी जमीन ते सी आज आसमान ते पहुंच गए, जनरल मैनेजर थे आज ZSM बन गए, 3 डिग्री आगे चले गए, प्रमोशन 3 बार हो गए। क्यों? क्योंकि वो मारक नहीं है। मारक को समझना होगा। हमेशा बोल दिया जाता है त्रिकोण के नग धारण कर लो, त्रिकोण के नग धारण कर लो, त्रिकोण को मजबूत कर लो, अच्छा हो जाएगा। मेरे भाई ये देख लो कि त्रिकोण का मालिक पड़ा कहां है। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, सूर्य देवता 7वें घर में आ गए, बंदे का कार्तिक का जन्म हो गया, वहां आपको त्रिकोण का मालिक सूर्य देवता नहीं पहनाना है, वहां कार्तिक का पूजन करवाना है, क्योंकि वो वहां कारक नहीं रहा। एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के 3 रूल्स हैं जो मैं आगे भी आपको बार बार रिपीट कराऊंगा, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस का स्तंभ है, पूरी ये विद्या उसी पर निर्भर करती है। कैसे? अच्छे ग्रह का मालिक अगर बुरी जगह चला जाए तो वो बुरा फल देता है। एक इंसान उठ के ठेके पे चला जाए तो क्या होगा? अच्छा नहीं होगा, वो बुरा होगा, क्योंकि ठेका इज अ रॉन्ग प्लेस, गलत जगह। अच्छे घर का मालिक अच्छी जगह पड़ा होगा तो वो अच्छा रिजल्ट देगा, बुरे घर का मालिक सदैव बुरे ही रिजल्ट देगा जब तक उस पर कोई थ्योरी या विपरीत राजयोग या उपाच्य थ्योरी अप्लाई ना हो जाए। तो बात समझने की हो गई कि त्रिकोण सदैव अच्छा नहीं होता। अगर त्रिकोण का मालिक नीच हो गया, अगर त्रिकोण का मालिक 6, 8, 12 में चला गया, वो आपको पूरी अंतरदशा दशा में कभी अच्छा फल नहीं देने वाला। अगर उसका वहां से आपने नग धारण कर लिया तो बंटाधार, फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं, नग वाले ने तो बेच के पासे हो जाना है, कल्याण आपका हो जाएगा, कहीं के नहीं छोड़ना उन्होंने आपको। क्यों? त्रिकोण धारण करना हर एक के बस की बात नहीं होती, प्लेसमेंट मैटर करती है और हमारे रिजल्ट अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ही चलते हैं। अगर एक साधु भी ठेके पे जाके चला जाए तो क्या हम लोग उसकी पूजा करेंगे? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो गलत जगह बैठा है। जिंदगी का प्रैक्टिकल है, अप्लाई करके देख लीजिए। मैं किसी संत को मानता हूं, एग्जाम्पल ले लीजिए, कल को मैं देख लूं कि वो ठेके पे बैठा हुआ, मैं कभी दोबारा उसके चरण स्पर्श नहीं करूंगा। कारण? क्योंकि वो गलत जगह बैठा है। उसी तरह प्लेनेट है, अगर प्लेनेट गलत जगह प्लेस्ड हो गया है वो अच्छा कभी नहीं फल दे सकता, उसको हाथ जोड़ के वहां से मना के वापस लाना पड़ेगा, उसका नग धारण नहीं करना, नग धारण कर लिया कहीं के नहीं रहेंगे। तो इस बात को समझना है। दूसरा और 7वां घर मारक है। क्यों मारक है? नहीं पता। कारण क्या है? नहीं पता। किस फॉर्मूले से बने? नहीं पता। किस ग्रंथ में लिखे? नहीं पता। तो आपको पता क्या है मेरे भाई? इस बेसिक्स को समझो। दूसरा और 7वां घर हर कुंडली में मारक नहीं होता, कुछ कुंडलियों में होता है, जिसकी डिटेल जानकारी मैं आपको अगले एपिसोड में दूंगा। कॉपी पेंसिल तैयार रखिएगा, हर कुंडली देखते रहिएगा। कारक मारक की स्टडी पूरी एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस की नींव है, हमारी पूरी विद्या इसी पे टिकी हुई है, हमें इसी के अकॉर्डिंगली चलना है। आखिर में बात एक करना चाहूंगा आपसे, हमारी जिंदगी में ग्रह सब कुछ माने जाते हैं, ग्रह से हम बने हैं, हमने ये विद्याएं आगे बनाई हैं, चाहे वो पामिस्ट्री है, चाहे वो टैरो कार्ड है, चाहे वो अंक विद्या है। आदि मानव के टाइम भी हाथ हुआ करते थे, सूर्य हुआ करता था, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि ये विद्या नियमबद्ध नहीं है, ये यूनिवर्सल नहीं है। आदि मानव के टाइम भी तो मनुष्य हुआ करता था, लेकिन हाथ भी हुआ करता था, लेकिन ये विद्या कहाँ थी? नहीं थी। सूर्य 5,00,000,000,000 से खड़ा है, ये विद्या है। इस बात को आज यही समाप्त करता हुआ, इस चर्चा को यही खत्म करता हुआ आपसे आज्ञा लेता हूं, प्रार्थना करता हूं कि शनिदेव आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि, अपनी दया दृष्टि सदा बनाए रखें। जय शनिदेव।
We'll be right back.